हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेपी सीवर के वीडियो लेक्चर्स में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सिक्स सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम की टॉपिक, जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये अराउंड 90% ये क्वेश्चन आनी ही आनी है। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन फैक्ट्स। ओके स्टूडेंट, तो फैक्ट्स फैक्ट्स जो कि शॉर्ट फॉर्म है फैक्सिमिल का, फैक्ट्स शॉर्ट फॉर्म है स्टूडेंट फैक्सिमिल का। इसका काम ये होता है स्टूडेंट्स, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसके थ्रू हम ट्रांसमिशन ऑफ समथिंग रिटन डॉक्यूमेंट्स, कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स है, लेटर है, कोई ग्राफिकल इमेज है, इसे हम एक जगह से दूसरे जगह सेंड कर सकते हैं। जैसे आप फ़ोन पे बात करते हो तो फ़ोन पे आप क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, आपकी वॉइस एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसमिट होती है। लेकिन फैक्स के केस में क्या होता है, फैक्स के केस में ये होता है कोई भी डॉक्यूमेंट हो ना, जैसे रिटेन, ग्राफिकल, कोई इंपॉर्टेंट पेपर्स, ये एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसमिट हो सकती है। तो फैक्स इज एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फॉर द ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग ग्राफिकल टेक्स एंड डाटा इलेक्ट्रॉनिकली। ये कैसे ट्रांसमिट करती है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिकली। ओके, इसमें हम क्या करते हैं, हम रिटन डॉक्यूमेंट्स को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में और फिर उसे हम क्या करते हैं, आगे ट्रांसमिट करते हैं। ओके, जो फैक्स स्टूडेंट, ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल बेस्ड है, ये टेलीफोन लाइन के थ्रू ट्रांसमिशन होती है। इसकी ऑपरेशन किस पे बेस्ड है स्टूडेंट, इसकी ऑपरेशन बेस्ड है टेलीफोन लाइन पे। ये टेलीफोन लाइन को अपना चैनल बनाता है और उस टेलीफोन लाइन के थ्रू ट्रांसमिशन पॉसिबल है एक जगह से दूसरे जगह तक। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके बाद इसके थोड़ा इंटरनल जो इसका स्ट्रक्चर है, इंटरनल डायग्राम है, इस पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, सपोज करो कोई फैक्स मशीन है हमारे पास, सबसे स्टार्टिंग पार्ट है हमारा फैक्स मशीन। फैक्स मशीन में हम क्या करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट एंटर करते हैं, कोई भी पेपर एंटर करते हैं। ओके, पेपर एंटर करते हैं, यहाँ पे हमने एंटर किया। अब इसके पास लगा हुआ एक डिवाइस सेंसर, ये जो सेंसर है स्टूडेंट ये ऑप्टिकल सेंसर है, ऑप्टिकल सेंसर है। ऑप्टिकल सेंसर क्या करता है, ये जो इसके पास इनपुट में पेपर आया हुआ है, पेपर पे कुछ डॉक्यूमेंट रिटन है, ये उसे लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ऑप्टिकल सेंसर क्या कर देता है, लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट, और फिर वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में। ओके, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में वो कन्वर्ट हो गई लाइट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में, ये सेंडर एंड हो गया, मतलब जहां से ये हो गया हमारा सेंडर एंड, जहां से डाटा सेंड हो रही है। और रिसीविंग एंड पे क्या होता है स्टूडेंट, रिसीविंग एंड पे भी एक सेंसर लगी होती है, रिसीविंग एंड पे सेंसर लगी होती है जो इसको कैच करती है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो आ रही है। ओके, यहां भी ऑप्टिकल सेंसर है। ओके स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल सेंसर, ऑप्टिकल सेंसर दोनों जगह है, ट्रांसमिशन सेंडर एंड में भी और रिसीविंग एंड में भी। ये ऑप्टिकल सेंसर इसको क्या की, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को सेंस की और उसे प्रिंट कर देती है, किसी भी पेपर पे वो प्रिंट हो जाता है और रिसीवर के थ्रू हमें आउटपुट मिल जाता है। तो ये था फैक्स का इंटरनल स्ट्रक्चर और इसकी वर्किंग प्रिंसिपल। इसके लिए जो हम लोग ट्रांसमिशन लाइन, ये जो लाइन यूज होती है स्टूडेंट, ये होती है टेलीफोन लाइन, टेलीफोन लाइन। जैसे आप टेलीफोन लाइन जो आप पहले यूज होती थी, अभी भी कहीं जगह यूज होती है, लैंडलाइन टेलीफोन, लैंडलाइन टेलीफोन के ऊपर हम कर सकते हैं फैक्स का ट्रांसफर एक जगह से दूसरे जगह तक। ओके, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स जानना है स्टूडेंट्स। सबसे पहला पॉइंट है कि ये 1-to-1 कम्युनिकेशन है, ये 1-to-many या many-to-1 कम्युनिकेशन नहीं है। इसमें क्या है, एक सेंडर जो है केवल एक ही रिसीवर को एक बार में डॉक्यूमेंट सेंड कर सकता है, ये पॉसिबल नहीं है कि एक सेंडर एक साथ ढेर सारे रिसीवर को ये अपना डाटा सेंड करे। ओके, तो ये कैसा कम्युनिकेशन है स्टूडेंट, ये 1-to-1 कम्युनिकेशन है, एक सेंडर एक बार में केवल एक ही रिसीवर को डाटा सेंड करता है। ओके, और जो है ये सेंडर, ये कभी रिसीवर भी बन सकता है, जब ये रिसीवर सेंड करेगा डाटा तो सेंडर रिसीवर भी बन सकता है और रिसीवर सेंडर भी बन सकता है, लेकिन एक साथ नहीं, ये साइमल्टेनियस प्रोसेस नहीं है। एक बार में सेंडर सेंड करेगा, ये प्रोसेस कंप्लीट होगी, फिर दूसरे बार में रिसीवर भी उसको सेंड कर सकता है। तो ये सेंडर रिसीवर दोनों का काम कर सकता है, लेकिन दोनों साइमल्टेनियसली पॉसिबल
नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो फैक्ट्स के बाद अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह भी राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन टाइप क्वेश्चन पे आ सकती है, वो है वी सेट, VSAT। इसका मतलब होता है स्टूडेंट वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, ये इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, VSAT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो VSAT होता है स्टूडेंट, जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, आपने किसी किसी रिमोट लोकेशन पे जो बैंक्स होते हैं, जो ATM होते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा ATM के ऊपर एक एंटीना लगा होता है। ATM के ऊपर क्या लगा होता है? एक एंटीना लगा होता है। ओके, अब उस एंटीना का काम क्या, कैसे काम करता है? वो जो होता है वो VSAT होता है। ओके, इससे हम बोल सकते हैं स्मॉल, वेरी स्मॉल अर्थ स्टेशन। ये जो है वो डायरेक्टली सैटेलाइट से कम्युनिकेट करता है, ये डायरेक्टली सैटेलाइट से कम्युनिकेट करता है, इसके थ्रू डाटा ट्रांसफर होती है। इसका VSAT इसीलिए नाम पड़ा है क्योंकि जो एंटीना का डायमीटर है स्टूडेंट बहुत स्मॉल होता है, 60 सेंटीमीटर से लेके 4 मीटर तक। ओके, और ये वायरलेस और रेडियो सिग्नल के बेस्ट काम करता है। इसका ऑपरेशन कुछ ऐसे होता है स्टूडेंट, सपोज करो यहाँ पे कोई बैंक है एक रिमोट लोकेशन में, जहाँ पे नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है, वहाँ पे सिग्नल बहुत कम रह रही है, तो बैंक का काम उसे क्या होगा, इंटरप्ट होगा। तो उस केस में ये किया जाता है, बैंक्स के छत पे या बैंक के बाहर कहीं किसी हायर लोकेशन पे हम एक एंटीना लगा देते हैं जो कि VSAT कहलाता है, VSAT वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। और वो क्या, कैसे कम्युनिकेट करता है? वो किसी भी सैटेलाइट से कम्युनिकेट करता है, और ये सैटेलाइट सपोज करो उसकी हेड ऑफिस, इस बैंक की हेड ऑफिस से कम्युनिकेट कर लेती है, हेड ऑफिस से कम्युनिकेट कर लेती है। तो ये जो बैंक है कॉन्टिन्यूसली अब टच में रहता है किसके, अपने हेड ऑफिस के। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है स्टूडेंट कि इसकी साइज जो है वो क्या है, बहुत ही छोटी है, तो इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है क्या, बहुत आसान है। प्लस ये कॉन्टिन्यूसली टच में रहते हैं अपने रिमोट लोकेशन पे जहाँ पे प्रॉपर सिग्नल नहीं रहता है। तो ये था स्टूडेंट VSAT। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।